बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का हम लोग 14वां पाठ ले रहे हैं, अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश के बारे में हम लोग पठित गद्यांश के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बाद, और संस्कृत की संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। तो अपठित गद्यांश, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अपठित यानी कि जिसे पढ़ा नहीं गया है, और गद्यांश का मतलब होता है अनुच्छेद, पैराग्राफ। तो इस तरह से हम लोग आज ये जानेंगे कि अपठित गद्यांश को किस तरह से उसका अर्थ समझना है, और उसमें पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर उसमें से खोजना है। तो आज हम लोग व्याकरण निधि का पहला वाला अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें प्रश्न लिखा है। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इस अनुच्छेद को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ना है और समझना है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने खाली दो ही प्रश्न लिखा है, और व्याकरण के भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले हम लोग इसको कर लेंगे, उसके बाद व्याकरण के प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें कई तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस अनुच्छेद को, गद्यांश को पढ़ेंगे, और इसमें लिखा है कि खेलाह यानी कि खेल अस्माकं जीवनस्य, खेल अस्माकं जीवनस्य, अस्माकं मतलब हमारे, जीवनस्य मतलब जीवन का। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, जीवनस्य जीवन का, महत्वपूर्णम, महत्वपूर्णम जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, महत्वपूर्ण, ये हिंदी में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्णम यानी कि महत्वपूर्ण अंगम, अंगम इसको जो है इस तरह से भी हिंदी में लिखते हैं, इसको जो है अंग, अंग यहाँ पे होता है, ये अंगम है। तो इसी मात्रा का यहाँ पे ये वर्ण विच्छेद है। तो इस तरह से इसमें जो है ये संस्कृत में इसी तरह से लिखा जाता है, और यहाँ पर उसी का प्रयोग है, अंगम, और इसका उच्चारण करेंगे अंगम। तो खेलाह यानी खेल बहुवचन है इसलिए खेलाह लिखा है, खेल हमारे, अस्माकम यानी हमारे, जीवन से जीवन का, महत्वपूर्णम, महत्वपूर्ण अंगम अस्ति, अंग है यानी कि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है खेल, तो ये महत्वपूर्ण अंग है। ए भी है, इसके इससे न केवलम, यहाँ पे केवलम होगा, न केवलम, ए भी है, ए भी मतलब इसके इसके द्वारा, न केवलम, न केवल शरीरम, शरीरम मतलब शरीर, स्वस्थम, स्वस्थ बलयुक्तम, बलशाली यानी कि खेलने से हमारा शरीर क्या होता है, न केवल शरीरम यानी शरीर, स्वस्थम स्वस्थ होता है, बलयुक्तम च बलयुक्त यानी कि शक्ति आती है खेलने से तो शक्तिशाली होता है, अपितु इसके अलावा मतलब कि खेलने से, खेल खेलने से हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, शक्तिशाली होता है, बल हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और वो तो होता ही है, अपितु इसके अलावा भी अस्माकम हमारे, हमारा मनोरंजनम, मनोरंजनम मनोरंजन यानी कि इससे हमारा मनोरंजन, अपि मतलब भी, भवति मतलब होता है। तो भू धातु है इसमें, और भू धातु का अर्थ होता है होना, और इसका रूप चलता है भवति, प्रथम पुरुष में भवति, एक वचन में भवति, और द्विवचन में भवतः, और बहुवचन में भवंती रूप बनता है। तो इस तरह से भवति, भवतः, भवंती, और मध्यम पुरुष में भवसि, भवतः, भवत, और उत्तम पुरुष में भवामि, भवावः, भवामः। तो ये रूप चलता है भू धातु से होने के अर्थ में। तो एभिः इससे, न केवलम, न केवल
शरीरम स्वस्थम, शरीर स्वस्थ होता है, बलयुक्तम च भवति, बलशाली होता है, बलयुक्त होता है, अपितु इसके अलावा अस्माकम हमारा मनोरंजनम अपि भवति, हमारा मनोरंजन भी होता है। पूरा, पूरा मतलब पहले, अपि पूरा अपि पहले भी, अनेकाह क्रीडा, अनेकाह अनेक शब्द, इस ये बहुवचन है इसलिए अनेकाह है, ये पद हो गया। अनेकाह क्रीडा अनेक खेल, अलग अलग तरह के अनेक खेल, लोकप्रियाह आसन, लोकप्रिय आसन मतलब थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले भी बहुत सारे खेल जो है वो लोकप्रिय थे। पूरा का अर्थ होता है पहले, अपि मतलब भी, अनेकाह क्रीडा अनेक खेल, लोकप्रियाह आसन अर्थात लोकप्रिय थे। अद्यत्वे, अब यहाँ पर ये शब्द आया है अद्यत्वे, अद्य का अर्थ होता है आज, अद्यत्वे मतलब आज, अपि मतलब भी, और आज भी पूरा मतलब पहले, अद्यत्वे मतलब आज के समय में भी, अपि मतलब भी, ये अव्यय होता है, अपि च अपि ये सब अव्यय हैं, और अव्यय वो होता है जो किसी भी विभक्ति या लिंग में बदलता नहीं है। तो अद्यत्वे मतलब आज, अपि मतलब भी, अनेके खेला, अनेके खेला बहुत से खेल, लोकप्रियाः सन्ति लोकप्रिय हैं, यानी कि आज भी अनेके खेला बहुत से खेल, लोकप्रियाः सन्ति लोकप्रिय हैं। प्रत्येकम, यहाँ पे प्रत्येकम क्रीडायै, प्रत्येकम का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक खेल के लिए, जो अलग अलग तरह के खेल होते हैं उसमें से प्रत्येक यानी कि हर एक, प्रत्येक क्रीडायै हर एक खेलों के लिए, क्रीडा क्षेत्रम और खेल के मैदान में, क्रीडका नाम, क्रीडका नाम संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ पे क्रीडका नाम शब्द आया है, खिलाड़ियों की संख्या। नियमाह च, नियमाह च और नियम, हर एक खेल के जो है वो, खेल के मैदान में हर एक खेलों के खिलाड़ियों की संख्या। नियमाह च और नियमाह यानी नियम, भिन्नाह भवंती, भिन्नाह भवंती मतलब अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि कोई खेल है तो उसके लिए अलग नियम होगा, कोई दूसरा खेल है तो उसके लिए अलग नियम होगा। तो इस तरह से खेल के लिए क्रीड़ा क्षेत्र में खिलाड़ियों की संख्या और नियम, भिन्नाह भवंती अलग होते हैं। अब यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, पहले हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। एक पद में उत्तर दीजिए, पद का मतलब सभी को पता है, जब विभक्ति लग जाती है तो शब्द पद बन जाता है, जैसे बालक शब्द है, जब हम इसमें विभक्ति लगाते हैं, प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो बालकः बन जाएगा, तो वो पद कहलाएगा। और इसी तरह से हम लोग अगर तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बालकेन बन जाएगा, वो भी पद कहलाएगा। तो एक पद में उत्तर दीजिए, पद यानी संस्कृत में ही हो जाएगा, संस्कृत में ही शब्द लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है वो इसमें पर इस गद्यांश से खोजकर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है के मतलब कौन, क्या, अस्माकम जीवनस्य, क्या अस्माकम जीवनस्य, अस्माकम मतलब हमारे, जीवनस्य मतलब जीवन के, महत्वपूर्णम अंगम संति, महत्वपूर्ण अंग हैं, कौन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि के कौन अस्माकम हमारे जीवनस्य, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है, जीवन के, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण अंगम संति,
अंग हैं, यानी कि हमारे जीवन के महत्वपूर्ण जो है वो भाग हैं, उनके बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो अब यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ देखेंगे, पहली लाइन से देखेंगे, खेलाह अस्माकं जीवनस्य महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। तो इस प्रश्न से, ये प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर, पद को छोड़कर, ये सारे पद जो है इस वाक्य में आए सभी पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, अस्माकं जीवनस्य महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। और यहाँ पे हम लोग के की जगह पे लिखेंगे खेलाह, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही प्रश्न पूछा गया कौन। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि खेल हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा खेलाह। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक पद में लिखेंगे, क्योंकि उत्तर एक पद में लिखने के लिए बोला गया है। और इसका अगर उत्तर हम पूरे वाक्य में लिख देंगे, जैसा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लिख देंगे, तो वो सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए तो ये अलग से पूछा गया है कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरा प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। तो इसमें जो है ये बताया गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि खेलैः किम स्वस्थम भवति। खेलैः मतलब खेल से, किम मतलब क्या, स्वस्थम भवति स्वस्थ होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ए भी है, यानी इससे न केवलम शरीरम स्वस्थम बलयुक्तम च भवति। तो यहाँ पे क्या स्वस्थ होता है ये पूछा गया है, तो शरीरम स्वस्थम भवति। तो एक पद में लिखना है तो किम की जगह हम लिखेंगे शरीरम, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा शरीरम, यानी कि शरीरम स्वस्थम भवति। तो ये हमने यहाँ पे उत्तर लिखा है। और अब हम लोग इसका प्रश्न जो है लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, और इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से दूसरे के क का, पहले इसमें प्रश्न लिखेंगे उसके बाद फिर ये प्रश्न लिखेंगे। तो इसमें जो है ये दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में, इसको हम पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें हम लोग क का प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि पूरा काह लोकप्रिय आसन, पूरा काह लोकप्रिय लोकप्रिय आसन। पहले क्या चीज़ लोकप्रिय था, यहाँ पे लोकप्रिय बहुवचन है इसलिए लोकप्रिय हो जाएगा। पूरा यानी पहले, काह मतलब का, लोकप्रिय आसन, तो पहले क्या चीज़ लोकप्रिय था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पुराह काह लोकप्रिय आसन, तो हम लोग ये ढूंढेंगे कि ये वाक्य कहाँ पर है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अस्माकं मनोरंजनम अपि भवति पुरा अपि अनेकाः क्रीडाः लोकप्रियाः आसन। तो हमें यहाँ ये वाक्य मिल गया है, तो काह की जगह पे हो जाएगा अनेकाः क्रीडाः। तो पूरा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे काह की जगह पे अनेकाः क्रीडाः। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर पूरा, क्योंकि ये पूरे वाक्य में उत्तर देना है, पूरा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनेकाः क्रीडाः। इसमें मात्रा का ध्यान देना है और एक वचन बहुवचन का ध्यान देना है, क्योंकि मात्रा पे बहुत नंबर कट जाता है। लोकप्रियाः आसन पूरे वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए हम लोग जो है पूरे वाक्य में लिखेंगे। और अगर इसका उत्तर हम लोग एक पद में लिखते हैं तो वो सही उत्तर नहीं होगा, वो गलत उत्तर होगा, अधूरा उत्तर होगा। अगर हम यहाँ पे केवल काह की जगह पे अनेकाः क्रीडाः लिख देते हैं तो वो सही उत्तर नहीं होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं इसके ख की
प्रश्न की ओर, तो ख को हम लोग यहाँ से लिखेंगे और ख में हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है और उसका उत्तर इस गद्यांश से खोजना है। उसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं तो उसे हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग प्रश्न दो का ख करेंगे और ख में पूछा गया है कि अद्यत्वे के लोकप्रिय सन्ति, अद्यत्वे के लोकप्रिय सन्ति। तो ये प्रश्न है, आज जो है वो कौन लोकप्रिय हैं। तो अद्यत्वे, यहाँ पे ये पद आया था, यहाँ दिख रहा है अद्यत्वे अपि, आज भी अनेके खेलाह लोकप्रियाह सन्ति, अनेक खेल लोकप्रिय हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये पंक्ति ढूंढी है, अद्यत्वे के लोकप्रियाह सन्ति। किसी एक पद को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया जाता है और उससे प्रश्न बना देते हैं और वही वाक्य जो है इसके उत्तर में आता है। और कभी कभी सर्वनाम शब्द लिखा रहता है जिसे बदल के हमें उसका नाम अगर दिया है गद्यांश में तो नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग ख का उत्तर लिखेंगे कि अद्यत्वे, प्रश्न से ही शुरू करेंगे जो वाक्य में लिखा भी है, और के की जगह लिखेंगे अद्यत्वे अनेके खेला, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनेके खेला लोकप्रिय सन्ति। ये प्रश्न में भी लिखा हुआ है, वाक्य में भी लिखा हुआ है। लोकप्रिय सन्ति, तो ये अब हम लोग का ये अद्यत्वे के लोकप्रिय सन्ति, अद्यत्वे अपि भी लिख सकते हैं, अपि लिखने में कोई ये नहीं है कि नियम की इसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो अद्यत्वे अपि अनेके खेला लोकप्रिय सन्ति, पूरा वाक्य भी लिखा जा सकता है। और अब हम लोग प्रश्न तीन देखेंगे कि उसमें किस तरह का व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न तीन और निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निर्देश का मतलब होता है कि जैसा कहा गया है, अगर वचन पूछा गया है तो वचन लिखिए, और अगर विभक्ति पूछा गया है तो विभक्ति बताइए। तो इसमें जो है वो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। और अब हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे कि क्या था। तो पहला प्रश्न है, खेलाह शब्द में कौन सी विभक्ति है। खेलाह, खेलाह शब्द में कौन सी विभक्ति है। प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह लगेगा और अब हम लोग उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो खेला हमें प्रथमा विभक्ति है, तो उत्तर हम लोग अ वाला और विकल्प चुनेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रथमा। और इसी तरह से अब हम लोग दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे, व्याकरण का जो इसमें दिया हुआ है। और इसमें ये पूछा गया है व्याकरण से ही संबंधित प्रश्न, पहले एक पद में उत्तर पूछा गया, फिर पूरे वाक्य में उत्तर पूछा गया और अब जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरे प्रश्न का ख है वो है रिक्त स्थान भरिए। तो प्रश्न तीन में लिखा है रिक्त, रिक्त का मतलब होता है खाली, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, अस्माकं मनोरंजनम्, अस्माकं मनोरंजनम्, यहाँ पे खाली जगह है, भवति। तो अस्माकं मनोरंजनम् भवति, यहाँ पे हम भवति लिख दे रहे हैं। अब हम लोग इस वाक्य को खोजेंगे
इस गद्यांश में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अस्माकं मनोरंजनम। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए भी इससे न केवलम शरीरम स्वस्थम बलयुक्तम च भवति अपि तो अस्माकं मनोरंजनम अपि भवति। यहाँ पे अपि शब्द केवल छूटा है, यहाँ पे अस्माकं, यहाँ से हम लोग मिलाएंगे अस्माकं मनोरंजनम, ये हम लोग मिला लिए। यहाँ दूसरे तरीके से लिखा है, यहाँ दूसरे तरीके से लिखा है, तो दोनों ही सही है। तो अस्माकं मनोरंजनम अपि भवति, अपि केवल ये पद छूटा हुआ है, तो हम लोग खाली जगह में भर देंगे अपि। लेकिन इसमें हमें पूरा वाक्य ठीक से लिखना है और यहाँ पर खाली जगह के नीचे अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, क्योंकि उसी से जो है ये वाक्य पूरा होगा। और केवल अपि लिखने से नहीं उत्तर पूरा होगा कि हम केवल उत्तर में केवल अपि लिख दें और ये वाक्य न लिखें। रिक्त स्थान भरिए, यानी कि इस वाक्य को हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और जो खाली जगह है वहाँ पे सही शब्द देखकर उसे भर के और उसके नीचे लाइन बनाना है। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न पूरे हुए। और हम लोग जिस तरह से अपठित गद्यांश करते हैं वैसे ही पठित गद्यांश भी होता है। तो पठित और अपठित में अंतर केवल यही होता है कि अपठित जो है वो हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है, जो पढ़ा हुआ ना हो। और पठित में ये होता है कि वो हमने गद्यांश पढ़ा है, वो हमारी संस्कृत की पुस्तक से है और जो पाठ हमने पढ़ा है उससे लिया गया है। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ाए गए पाठ से अनुच्छेद देकर, और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, कभी कभी पूरा प्रश्न ही पूरे वाक्य में रहता है, 5 प्रश्न दिए होते हैं और सबका आंसर पूरे वाक्य में लिखना होता है। तो जब भी पूरे वाक्य में लिखा हो कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, तो वहाँ पे सेंटेंस में आंसर देना है। और जब लिखा रहता है कि एक पदेन उत्तरत या एक पद में उत्तर दीजिए, तो एक पद का अर्थ होता है वन वर्ड आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ही तरह के प्रश्नों को किया है, और जैसा प्रश्न पत्र में पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में, वैसा ही हमें अच्छे से प्रश्न को समझकर उसका उत्तर लिखना चाहिए। तो और पठित गद्यांश में इसी तरह से होता है, वो हमारा पढ़ा होता है, केवल प्रश्न हमें समझ के और वो आंसर उसमें ढूंढ के आंसर बनाना होता है। तो प्रश्न से शुरुआत करके और कभी कभी उत्तर से भी शुरुआत होता है और बाद में प्रश्न में आए हुए पदों को लिखते हैं। तो इस तरह से पठित और अपठित दोनों जो है इसका उत्तर खोजा जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो सीखेंगे तो संस्कृत संख्या के बारे में जानेंगे, और संस्कृत संख्या जो है वो यहाँ पे पाठ 7 में दिया हुआ है संख्यावाचक शब्द में। तो हम लोग थोड़े अभी क्लास 6 में जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या शुरू में नहीं सिखाई जाती है, तो थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है, उसके बाद फिर उसके आगे का सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संख्यावाचक शब्द, और संख्यावाचक शब्द में हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में, और ये है पाठ 7 है संख्यावाचक शब्द। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है संख्याओं के बारे में है, नंबर के बारे में है कि उसे संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है एकम फलम, एकम फलम इसका अर्थ है एक फल, और दूसरा है द्वौ बालकौ, दो बालक। तो एक और दो
संख्या है और संस्कृत में इसे फल शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए एकम का प्रयोग हुआ है। और द्वौ बालकौ ये पुल्लिंग है बालक शब्द, इसलिए हम लोग यहाँ पर द्वौ का प्रयोग किए हैं। तो एक शब्द और दो बालक, यहाँ पर एकम और द्वौ ये संख्या को बता रहे हैं। एकम जो है वो एक की संख्या को बता रहा है और द्वौ जो है वो दो की संख्या को बता रहा है। तो ये संख्यावाची शब्द हैं। और किसी भी व्यक्ति वस्तु की गिनती अर्थात संख्या बताने वाले शब्द को संख्यावाचक शब्द कहते हैं। और विशेष्य के अनुसार ही संख्यावाचक शब्द का जो है वो लिंग होगा। जैसे कि यहाँ पे एकम फलम, तो यहाँ पे फल शब्द जो है वो विशेष्य है और यहाँ पे ये संख्यावाचक जो है विशेषण है एकम। विशेषण के कई भेद होते हैं जिसमें संख्यावाचक विशेषण भी होता है। और यहाँ पे बालक का जो है वो पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पे द्वौ पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से एक के रूप केवल एक वचन में और दो के रूप केवल द्विवचन में और तीन या तीन से अधिक जितनी भी संख्या होती है वो सब बहुवचन में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये एक से लेकर चार की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। उसके बाद जो है वो 19 तक की संख्या जो है वो स्त्रीलिंग में होती है और फिर उसके आगे की संख्या जो है वो सभी नपुंसक लिंग में होती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 1 से 10 की संख्या सीखेंगे। तो पहले हम लोग पुल्लिंग का सीखेंगे। तो यहाँ पे पुल्लिंग, यहाँ पे तीनों ही लिंगों को यहाँ पे लिख देते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये सभी को लिख दिया। अब 1 से 4 की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो पुल्लिंग में हो जाएगा एकह, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, त्रीणि, त्रयः, तिस्त्रः और त्रीणि। तो यहाँ पे हम लोग और चत्वारः में चत्वारः, चतस्त्रः, चत्वारि। तो ये केवल 1 से 4 की संख्या को जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये अलग अलग प्रयोग किया जाता है, केवल 1 से 4 तक। तो यहाँ पर ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है। तो 1 से 4 की संख्या के बाद सभी संख्या जो है वो एक ही लिंग में होती है। तो अब हम लोग केवल पुल्लिंग के 1 से 10 तक की संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और उसे बोलने का अभ्यास करेंगे। तो ये जो है 1 से 4 की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग की जाती है। और अब यहाँ पे हम लोग 1 से 10 तक संस्कृत में 1 से 10 तक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एकह, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट,
नव और दश, इसको दश उच्चारण करते हैं। बहुत बच्चे हिंदी वाला बोलते हैं जो कि सही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है हमने वो है पुल्लिंग का है, ये एक से चार तक हमने पुल्लिंग का प्रयोग किया है और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में अलग होता है जो हमने पहले बता दिया है। तो इसका उच्चारण करेंगे एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव और दश। तो इस तरह से इन संख्याओं को याद करना है और इसको जो है याद करके इसको लिखने का अभ्यास करना है। तो आज हम लोगों ने अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश और एक से दस तक की संख्या, इसको लिखना और बोलना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। तो यहाँ पे दश को विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें श का सही अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो वो हिंदी का दस बन सकता है। तो इसमें जो है ये ध्यान रखना है कि ये दस जो है वो दस, ये दस की संख्या दस लिखते हैं, दश ये सही है, और अगर हम ऐसे दस लिखेंगे तो ये हिंदी का हो जाएगा और ये गलत है। तो इसका मात्रा का ध्यान देना है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।